subscribe to my YouTube. I guys, welcome to my YouTube. Hi guys, welcome to my YouTube. अरे कहना क्या चाहते हो? वेलकम बैक माय YouTube चैनल टू दिस फैमिली में आपका स्वागत है। फिर से वही दिन की शुरुआत और सेम प्रोसेस तो हम आपको दिखाएंगे दोबारा से, सेम वही रिपीट। दिन की वही शुरुआत, बाल का ब्रश करना, सेम टाइम सेम यार। अब लगता नहीं कि बानी का दोबारा से सेम स्कूल जाने का टाइम सही रहेगा, क्योंकि बानी का फिर से वही प्रोसेस। सुबह का टाइम टेबल इतना बिजी रहता है कि कुछ करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि सुबह उठना, जिम जाना, उसके बाद घर पे आना, फिर सेम बानी को उठाना। बानी का काफ़ी समय लग जाता है रेडी होने में, तो काम बहुत है। अभी यूट्यूब भी काम करेगी, अभी देखते हैं कितना काम बचा है और पूरे दिन का क्या रूटीन है आज का। देखो सुबह कैसी कंडीशन होती है बानी की, कि ना बाल बने ना हाथ धोया, और अभी स्कूल के रेडी भी नहीं हुआ, सेम टाइम देख रहे हो सुबह की हालत। देखो ये देखो, मेरे मुझे ठंड लग रही है, बहुत सारा काम है बानी को, स्कूल छोड़ना है फटाफट और काम करना है, मंशी को उठाना है, ट्यूशन भेजना है, बहुत सारा काम पड़ा है अपनी को। बानी को जल्दी जल्दी रेडी करना है और उसको वंशी को भी उठाना है और बर्तन भी धोना है, पूरा घर चल रखा है, अभी तक हमने काम ही नहीं किया। तो फ्रूट काट के दिया है, लंच पैक करना है फटाफट, जल्दी जल्दी रेडी करूँ उसके मैं, क्योंकि वो हमेशा लेट करने में माहिर है। ये मेरा काम हो गया रेडी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मुझे थोड़ी साफ सफाई करनी पड़ती है, बर्तन वॉश करने पड़ते हैं, घर का कमरा साफ करना पड़ता है, उसके बाद मुझे अपने छोटे बेटे को उठाना पड़ता है स्कूल और ट्यूशन के लिए रेडी करना पड़ता है। अभी मैं थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। So, अभी पहले हम वंशु को ब्रेकफास्ट कराएंगे, उसके बाद ही फटाफट से ट्यूशन छोड़ के आएंगी, उसके बाद मैं अपना थोड़ा एडिट कर लूंगा, जो कल की वीडियो है उसमें अभी एडिटिंग भी करनी है। तो उसके बाद पहले देखते हैं, पहले वंशु को ब्रेकफास्ट कराएं, उसके बाद मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि जब तक वंशु नहीं जाता तब तक थोड़ा काम नहीं हो पाता, थोड़ा सा नोटी है, करने नहीं देता, कभी कुछ करता है। तो सबसे पहले हम वंशु को छोड़ेंगे ट्यूशन, उसके बाद मैं करूंगा अपनी एडिटिंग। ओके, और मैंने अपने लिए ओट्स बनाया, मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग में ओट्स पसंद है तो मैं ओट्स खाती हूँ। Good morning everyone. बोलो। Hi guys, welcome to my YouTube. Hi guys, welcome to my YouTube. Hi guys, welcome to my YouTube. आज हम YouTube जा रहे हैं। अब मैं अभी आए वाले दिन से हम तो भूखे। ये लो नाश्ता करो। तो बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, तो ठीक है बाय बाय बोल दो, बोले हम ट्यूशन से आके मिलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मंशी को ट्यूशन छोड़ने के बाद मुझे आप फ्री टाइम मिल जाता है तो मैं खा रही हूँ अमरूद। मैं तो खा रहा हूँ मखाने फुल हेल्दी डाइट के साथ, क्योंकि मैं ना हेल्दी चीजें नहीं खाता, बाहर की कोई चीज यूज नहीं करता, मैं प्रॉपर डाइट में आता हूँ, सुबह ओट्स, देन मंडे, रात में चिकन। जब मैं वंशी को छोड़ने गई थी तो मुझे रास्ते में एक भैया मिले रेडी में जो साड़ी बेच रहे थे, तो मुझे साड़ी पसंद आई तो मैंने ले ली। आपको यकीन नहीं होगा, पता है साड़ी कितने की है? 150 रुपए की। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 150 रुपए की साड़ी ली है, मुझे इतनी पसंद आई है, मैंने ये साड़ी ली है 150 की। ये देखो मैंने ये साड़ी ली है बाहर से रेडी में से, यकीन नहीं मानोगे 150 रुपए की है, इतनी सुंदर लग रही है साड़ी, देखो। यकीन नहीं मानोगे यार 150 रुपए में क्या आता है, देखो कितनी सुंदर है। तो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं अपने बेटे को लेने जा रही हूँ, मेरा वेट कर रहा होगा, तो मैं अब निकल रही हूँ अपने बेटे को लेने के लिए। अभी मंशु को लेने आए और मंशु लेके बड़ा बड़ा चलेंगे, खाना ना खिलाएंगे, काम करना है आज, काम करें घर के बहुत सारे काम, पहले मंशु को लेते फर्स्ट वाला खा जाएंगे। है आज क्या पढ़ा आपने? मंशु करा, कब आएगा कब आएगा? को लेके आएंगे घर और मंशु को ऊपर ले जाएंगे फटाफट और मंशु को हम करेंगे ब्रेकफास्ट। अब फाइनली हम मंशु को लेके आ चुके हैं
तो आज आपने क्या क्या पढ़ा बताओ, जरा सबको बताओ। हाँ, फुटबॉल और क्या पढ़ा आपने? लगा दिया। है? लगा दिया। क्या लगा दिया? स्टिकर। ये क्या आपके हाथ में स्टिकर है? है? स्टिकर। क्या कर रहे हो ये? लगा रहा। किसमें? अच्छा अच्छा अभी आप खाने क्या खाओगे? देखो वंशु ने कितना अच्छा पढ़ा, देखो देखो वंशु ने कितना अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं। और ये क्या बोलते मैथ्स करा उसने, इंग्लिश किया है, सी फॉर एलिफेंट बनाया, अब फिश बनाएगा वो। जब तक वंशु खेल रहा है तो मैं अपने लिए डाइट का खाना बनाऊंगी। अंडे बॉईल हो गए तो अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि अंडे बॉईल हो चुके हैं तो वो खाएंगे, और मैं अपने लिए आटा बनाऊंगी रोटीज की। आपने आज वंशु आज आपने स्कूल ट्यूशन में क्या पढ़ा बेटा? A for apple. अपने दोस्तों को सुनाओ, आज आपका टेस्ट था ना काउंटिंग का, सुना दो जरा। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for animal, F for fish, G for grass, I for arch, K for jump, K for kite, F for iron, F for net. A for apple, B for bear, Q for green, R for horse, F for sheep, T for tiger, Q for umbrella, V for van, W for box, for animal, Y for yak, Z for zebra. Yay! Manchi ko star aata hai. Yay! तो फ्रेंड्स मैं रेडी कर रही हूँ लंच। मैंने अपने हस्बैंड के लिए अंडा बनाया है जो रेडी हो गया है, बॉईल कर दिया है। अब मैं अपने लिए जौ के आटे की रोटी बना रही हूँ, और ये मेरी दाल है, बच्चा मिल्क मांग रहा है तो मैं इसको दूध रेडी कर दिया है। तो मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ जौ के आटे की, तो मैं इसको बड़ा मुश्किल होता है इसको बनाना, मुझसे बनता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करके थोड़ी छोटी छोटी रोटी बना ही लेती हूँ उसकी, क्योंकि इसके आटे की रोटी जो होती है वो फट जाती है। हाँ बेटा, बच्चा दूध के लिए बार बार बोल रहा है मम्मा दूध दे दो, तो मैं बस अपने लिए रोटी बना दूं डाइट के आटे की, तो बड़ी मुश्किल होता है उसको बनाना, तो ये बन गया है। सो अभी हमारा लंच हो गया रेडी, और बानी अभी स्कूल है, बानी के स्कूल आने के बाद बानी को लंच कराएंगे। फिलहाल तो अभी वंशु को भूख लगी है, क्योंकि ट्यूशन से आने के बाद हमने वंशु को कुछ खिलाया नहीं है। सो वंशु के लिए भी हमने स्पेशल डाइट बनाई है, और वंशु को हम ना हॉर्लिक्स के बजाय ना ऐसे अलग से प्रोटीन पाउडर देते हैं। तो देखियो मैं हमने वंशु के लिए क्या क्या बनाया है। वंशु के लिए हमने एग बनाए हैं, और अलग से प्रोटीन पाउडर देते हैं दूध के साथ। हम इसे भी मिल्क देंगे, एंड दाल है, बिस्किट्स है, और हमने बाजरे के आटे की हमने रोटियां बनाई है। सब वंशु खाएगा। आपको भूख लग रही है ना? आपको भूख लग रही? कितनी भूख लग रही है? मुझे बहुत भूख लगी, मैं दूध पीऊंगा, फिर मैं बॉडी बनाएगा। बॉडी कैसे बनाओगे? ओ बेटे है, चलो आप शुरू करो फिर खाना। गुड्डू देखो पूरा बिस्सा खराब कर दिया उन्होंने, देखो बानी को देखो पूरा। हाँ? किसने क्या फिर? देखो गुड्डू उसके सर पे डाल दिए, देखो फाड़ फाड़ के। क्यों कर रही है? मना करो ना यार, देखो तो किसने क्या नाम बताओ उसका पहले? बानी। बानी क्यों किया तूने? मैंने ना करा है, खुद ने करा है। अकल नहीं है? मैंने क्यों करा? मैं देखो करा भी नहीं। इसको साफ करने में कितना टाइम लगता है? मैं तो ले रही हूँ, मैंने करा भी नहीं, कभी मैं उठा रही हूँ। मैंने क्या वंशु उठा रहा है? देखो वंशु ने क्या बोल रही है, आपने क्या कह रही है? पैसे ले कह रहे थे आप? पैसे बना रहे हैं। तो फिर क्या ये ऐसे कैसे पैसे को कहा है जिसे पेपर पैसे होते हैं? मैं बानी को छोड़ने जा रही हूँ ट्यूशन के लिए, अब उसे ट्यूशन जाना है, उसके बाद 4:30 मैं भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ,
तो मैं जा रही हूँ बानी को छोड़ने ट्यूशन। बानी को छोड़ने के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता तो मैं वर्कआउट करना शुरू कर देती हूँ अपना 4:30 से। तो गाइस मेरी एक्सरसाइज हो गई ऑलमोस्ट फिनिश। फिनिश होने के बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी बेटी को 6:30 लेने जाऊंगी। मंशु देखो अपने ट्यूशन का होमवर्क कर रहा है और बानी भी अपना होमवर्क कर रही है क्योंकि उसे ट्यूशन जाना है 4:00 और वंशु अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। फ्रेंड्स देखो वंशु अपना होमवर्क कर रहा है, उसकी मैम ने उसको होमवर्क दे रखा है तो वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। वंशु आप क्या कर रहे हो बेटा? ओहो सॉरी बेटा, करो करो होमवर्क करो आप अपना। बानी तुम क्या कर रहे हो? मैं राइटिंग कर रही हूँ। ठीक है कंप्लीट करो, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। चलो चलो ठीक है करो, थोड़ा सा बचा हुआ है वो इंग्लिश का थोड़ा। ठीक है ओके। आज हम लोग रात में इतनी मस्ती कर रहे हैं कि इनको मैं कह रही हूँ कि सो जाओ मगर ये सो नहीं रहे। सो गाइस आप बच चुके हैं 11 और ये डेली का है ड्रामा, तो इसी वजह से बानी होती है सुबह लेट स्कूल के लिए और जो सुबह उठने में होती है सबसे बड़ी दिक्कत। सो अब हो गया है सोने का टाइम बट इन्हें नींद नहीं आ रही है तो इसलिए आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं और कल एक नई वीडियो के संग शुरुआत होगी। बाकी आगे के लिए हम आपसे यही कहेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी के लिए कल के लिए बाय बाय।